उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अभी भी भेड़ियों का डर बरकरार है। जिले के करीब 35 गांव में भेड़ियों का खौफ फैला है। वन विभाग की टीम ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन अभी भी 2 भेड़ियों के लिए वन विभाग की जो टीम है वो तलाश में लगातार जुटी हुई है। बहराइच में भेड़ियों ने ज्यादा आतंक मचा रखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भेड़ियों के हमले की कहानी नई नहीं है। 1996 में उत्तर प्रदेश के 3 जिले प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में भेड़ियों ने 30 बच्चों को मारा था। लगभग वैसा ही कुछ अब वापस हो रहा है। 3 दशक पहले भेड़ियों के हमले की जांच करने का जिम्मा प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट YV झाला को मिला। झाला ने साथी दिनेश कुमार शर्मा के साथ जांच की। 1997 में उनका एक पेपर आया, नाम था चाइल्ड लिफ्टिंग बाय वोल्फ्स इन उत्तर प्रदेश, जिसमें जांच का परिणाम ये था कि हमला एक भेड़िया कर रहा है, पूरा समूह नहीं था। हर तीसरे दिन भेड़िया हमला करता था, हर पांचवें दिन एक बच्चे की मौत हो रही थी। हत्यारा भेड़िया इतना बेफिक्र हो गया था कि वो गांव के बीच में बच्चों को उठाकर लेकर जाता था। हमले होते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब नहीं था, ना ही सोशल मीडिया था कि लोग इतने जागरूक हो। उस समय तीनों जिले देश के सबसे गरीब जिलों में आते थे। अंधविश्वास का स्तर इतना था कि स्थानीय लोग इसे किसी मनाई से जोड़ रहे थे, यानी इंसान का रूप धरने वाला भेड़िया। इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति भेड़ियों से प्रभावित गांवों में जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लोग इसे मनाई समझकर मार देते थे। इस बहाने तीनों जिले में कई पुरानी दुश्मनी भी पूरी की गई। ये तो इतिहास है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बहराइच का हाल भी इन 3 जिलों जैसा ही हो रहा है? क्योंकि अब तक कई महिलाओं और मासूम बच्चों को आदमखोर भेड़िया ने शिकार बना लिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भेड़िया वाकई आदमखोर हो सकता है? दुनिया भर में भेड़ियों पर हुए अध्ययन और रिपोर्ट क्या कहते हैं, ये भी जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे रिपोर्ट्स के बारे में जो ये कहते हैं भेड़िया द्वारा मनुष्य पर हमला करने से जुड़े जोखिम बहुत कम होते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि एक बार अगर इनको बच्चों के शिकार के बाद उसकी खून की लत लग गई तो ये आदमखोर भी हो जाते हैं। यूपी में कई बार इस तरह के मामले हुए हैं। यूं तो टाइगर शेर भी खतरनाक जानवर हैं, लेकिन टाइगर शेर और भेड़िए के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। जैसे टाइगर हमेशा अकेला रहता है, लेकिन शेर झुंड में रहता है। टाइगर इंसानों से ज्यादा मतलब ही नहीं रखता, लेकिन भेड़ियों में ये अलग होता है। उन्हें इंसानों के साथ रहने में दिक्कत ही नहीं होती है। भेड़ियों को शेर टाइगर से ज्यादा शांत माना जाता है। बड़े शिकारी जानवरों की तुलना में भेड़िये काफी छोटे होते हैं। उनके पंजे भी भालू और शेरों से ताकतवर नहीं होते। भेड़िये सामाजिक जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं, आमतौर पर अकेले रहने वाले जानवर नहीं होते। स्वस्थ भेड़िये बहुत कम लोगों पर शिकारी तरीके से हमला करते हैं। यूपी में हर साल ही भेड़ियों के आतंक की खबरें आती रहती हैं। फॉरेस्ट एक्सपर्ट कहते हैं भेड़ियों को आमतौर पर इंसानों पर हमला करने के लिए नहीं जाना जाता, भले ही वो सदियों से हमारे साथ एक ही इलाके में रहते आए हों। हालांकि ये हमले तब हो सकते हैं जब कोई भेड़िया गलती से किसी बच्चे का शिकार कर ले। एक बार जब भेड़िया इंसान का मांस खा लेता है, खासकर बच्चे का, तो वो उसके लिए पसंद विकसित कर सकता है। बच्चों का नरम मांस और उनकी कमजोरी उन्हें दूसरे जानवरों की तुलना में आसान शिकारी बना देती है, इसलिए वो आदमखोर बन जाते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको भेड़िया दिखे तो क्या करना चाहिए। आपको कोई भेड़िया या भेड़ियों का झुंड नजदीक आता नजर आए तो बिल्कुल भी मत भागिए, ना ही मुंह मोड़िए। आक्रामक तरीके से पेश आए, और अगर भेड़िया आपकी तरफ देख रहा है तो उससे नजरें मिलाएं। भेड़ियों को हतोत्साहित करने के लिए डंडे, मिर्च स्प्रे, पत्थर, अंग, शोर करने वाले यंत्र या अन्य काम आने वाली चीजों का आक्रामक तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि जंगली जानवर जब पकड़ में आ जाते हैं फिर उनके साथ क्या होता है? दरअसल इन जानवरों की तलाश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती है, और पकड़ में आने के बाद कुछ दिन इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर उन्हें किसी तरह की चोट नहीं लगी या इनकी तबीयत ठीक है तो उन्हें वापस जंगल में ही छोड़ दिया जाता है, अगर उनमें कोई बीमारी नहीं पाई जाती है तो। इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि उनके बिहेवियर में कितना चेंज आ रहा है या उन्हें किस चीज की लालच हो रही है, इस तरह की चीजें भी नोटिस की जाती हैं। इंटरनेशनल वुल्फ सेंटर की एक नई रिपोर्ट कहती है कि भेड़िये द्वारा मनुष्य पर हमला करने से जुड़े जोखिम शून्य से ऊपर है। 2002 से 2020 के बीच शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में 26 घातक हमले पाए, इनमें 14 रेबीज के कारण हुए हैं।
क्या भेड़िए इंसानों के लिए खतरनाक है, ये भी सवाल है। तो 2002 से 2020 तक के विश्वव्यापी डेटा का अध्ययन करने वाले नवीनतम शोध के अनुसार भेड़िए के हमले से जुड़े जोखिम शून्य से बेशक ऊपर है, लेकिन गणना करने के लिहाज से बहुत कम है। भेड़ियों के हमले पर एक रिपोर्ट क्या कहती है ये जानिए। ये नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट फॉर नेचर रिसर्च के जॉन डीसी लेनेल कोवेटन और ईवे रुआट्स द्वारा मानव पर भेड़ियों के हमले 2002 से 2020 अध्ययन की नई रिपोर्ट से ली गई। शोधकर्ताओं ने भेड़ियों द्वारा कम से कम 26 घातक हमलों का पता लगाया, जिनमें सबसे ज्यादा 12 तुर्की, ईरान में 6, भारत में 4 और कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान में 1-1 घातक हमला हुआ है। अंधविश्वास और बहुत सारी चीजें पहले मानी जाती थी, हालांकि अब जब भेड़िए हमला कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि भेड़ियों को कोई ना कोई बीमारी हुई होगी। हालांकि अन्य राज्यों में भी, अन्य देशों में भी इसी तरह के मामले सामने आए। मानव बस्तियों के करीब रहने वाले भेड़िए ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हालांकि ये बात सही है कि दुर्लभ मामलों में जहां भेड़ियों द्वारा मनुष्यों पर हमला करने की खबरें आई हैं, उनमें अधिकांश शिकार आम तौर पर बच्चे होते हैं। मानव बस्तियों के बहुत करीब रहने के कारण भेड़ियों के आदमखोर हमलों में वृद्धि हुई है। हालांकि ये तब ज्यादा होता है जब मनुष्य जानबूझकर उन्हें भोजन देकर लुभाते हैं। ये भी पता चलता है कि कैद में रहने वाले भेड़िए जंगली भेड़ियों की तुलना में मनुष्यों के प्रति अधिक साहसी होते हैं। आदमखोर क्यों हो रहे हैं भेड़िए? हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले पहले भी होते रहे, खासकर गांव में जहां बच्चे मां के साथ बाहर सो रहे होते हैं। यूपी में अक्सर ऐसी खबरें आ रही हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की तरफ से कहा जाता है कि पहाड़ों पर रहने वाले भेड़िए जिनके बड़े बाल होते हैं वो खतरनाक होते हैं, आकार में भी बड़े होते हैं, लेकिन मैदानों पर रहने वाले भेड़िए कुत्तों की तरह लगते हैं, आकार में छोटे होते हैं। उनका कहना है कि भेड़िए आमतौर पर गर्दन को दबोचकर बच्चों को ले जाते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत में भेड़िए आदमखोर हो रहे हैं। तो भेड़िए क्यों आदमखोर हो रहे हैं और इतिहास क्या कहता है? और इससे पहले 1996 में जब 3 जिले उत्तर प्रदेश के जहां 30 बच्चों पर भेड़ियों ने हमला किया था, तब भी कुछ ऐसा ही माहौल था, लेकिन तब ना टीवी ढंग से लोग देखते थे, ना समझ पाते थे कि आखिर कहानी क्या है, ना ही उस समय सोशल मीडिया का जमाना था जब हम इस तरह आपको विस्तार से चीजें बता रहे हैं कि आखिर आदमखोर भेड़िए क्यों हो जाते हैं। अगर आप भेड़ियों से बचना चाहते हैं, भेड़ियों का झुंड आपको दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, ये भी हमने आपको बताया। हालांकि अब ये देखना होगा कि 2 भेड़िए जो अब तक नहीं मिल पाए हैं, कहा जा रहा है कि इनमें 2 भेड़ियों में एक लंगड़ा है और एक तगड़ा है, और जो लंगड़ा है वही भेड़ियों का सरदार है, जिसे पकड़ा नहीं जा पाया है अभी तक, उसी की तलाश हो रही है। देखना होगा कब तक ये पकड़ में आता है।